देखिए, ओह माय गॉड, देखो यार ये देखिए संगीता किचन के मोमो कैसा लगा। मोमो स्पेशल, थोड़ा सोलर डालना पड़ेगा। हाय योजना, कैसी हो? ऑर्गेनिक चूल्हा में बन रहा है मोमो, मतलब कौन सा वाला अच्छा होता है? 33, 34, 35, 36 मोमो लवर सब खाओगे? गर्मा गर्म मोमो आ गए फिर से संगीत के जरिए स्पेशल। इसमें गर्म पानी डालना पड़ेगा ना, सुबह सुबह बहुत अलसी लगता है ना, सुबह उठता नहीं है। गुड इवनिंग गाइस, टासिटीले सेवार फेफुलो नमस्ते, दिस इज योर दर्शन तामाङ एन्ड वान्स अगेन वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल दर्शन ब्लग्स। और गाइस ना, आज स्पेशल ब्लग हुने वाला है, सायद थंबनेल और टाइटल देखे आप लोग को पता चल गया होगा। और काफी दिन के बाद ना गाइस, हम लोग घर में आज मोमो बना रहे, और मोमो पार्टी तो नहीं कह सकते, सिर्फ मेंबर है घर के मेंबर, हमारे मम्मी जी, अशु, मेगा, मैं और डैडी जी अभी आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज क्या बन रहा है मम्मी? आज संगीता किचन में स्पेशल चिकन मोमो बन रहा है। स्पेशल चिकन मोमो बन रहा है। मेघा जी इधर चेहरा दिखाइए, एक सेट देखे रेडी हो गया। दर्शन जी देखिए, एक दो सेट का रेडी भी हो गया। रेडी हो गया, इधर देखिए। ओह माय गॉड, देखो यार आज तो कितने देर से आ गया ना, दूर है ना, देर हो गया। काफी दिन के बाद मोमो ब्लॉग्स, काफी दिन के बाद मोमो ब्लॉग्स आ रहा है संगीता किचन में। मैं बोल रहा हूँ संगीता किचन में चिकन मोमो, मैंने अचार भी बना लिया, चटनी ये देखिए, चटनी अचार भी बना लिया। और ना गाइस, मुझे काफी दिन से स्पेशली डैड को, मुझे और अशु को मोमो खाने का बहुत मन कर रहा था, और हम लोग 3-4 दिन से प्लान कर रहे थे कि मोमो कब खाएंगे। एक्चुअली मोमो बनाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए ना, और आप लोगों को पता है मैं आजकल कितना बिजी रहता हूँ, इवन डैडी जी, मम्मी जी, सब लोग बिजी रहते हैं। तो आज थोड़ा सा हम टाइमिंग मिला के हम लोग ने आज ऑर्गेनाइज किया है छोटा सा। मुँह में पानी आ रहा है अभी ये मोमो देख के, तो गाइस एक दो दिन अच्छे चखने के लिए। रेडी नहीं होता नहीं हुआ आइले मते पसंद छ। आप दर्शन भाई भी आएगा कुछ ही देर में, ठीक है? दर्शन भाई को मैं मैंने बुलाया था, आ गया कुछ ही देर में, आ जाएगा अहिले एकछिनमा आउँछ। थोड़े देर के बाद गाइस, योजना भी अपना घर में मोमो बना रही, लेकिन वो स्पेशल, क्योंकि योजना तो नॉन वेज नहीं खाती है, तो वो वेज वाला कुछ स्पेशल वाला मोमो बनाते, वो केला का कुछ वो होता है ना बुंगा, उसका वो मोमो बना रही है। और देखो घर में मोमो बन रहे है, और मेगा यहाँ पर आ गए, क्योंकि ना यहाँ पर चिकन बन रहा है, वहाँ पर भेज बन रहा है, तो भेज को भेज में वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है, मेगा का यहाँ पर इंटरेस्ट है नॉन वेज में, तो देखो यहाँ पर उड़ के चले गए, क्योंकि डुप्लीकेट वाला चिकन है ना, डुप्लीकेट चिकन, वो भी चिकन से कम नहीं होता, साटना पड़ेगा, चेन साटना, साटे के खाना, बाँडो चुर के खाना पड़ेगा ना। ढुङ्गाको मोमो के, तर मलाई चिकन खाने, मासु के खाने मलाई चिकन लवर हो तो ऐसा, देखो घर का मोमो छोड़ छोड़ के यहाँ पर आ गया, पर आ गया। कैसा लगा मम्मी जी के मोमो? अच्छा, हमेशा अच्छा ही होता है। कमेंट में बता देना संगीता किचन के मोमो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाके। आशु बोल रहा है भूख लग रहा है, आशु को भूख लग रहा है, भूख लग रहा है बहुत ज्यादा, जल्दी जल्दी बनाओ इसको मोमो, देख के हमेशा भूख लगता है, मुँह में पानी आ गया आशु का, खाना चाहिए। अरे ये देखो एक ही बार में दो दो रोटी बना रहे आशु। देखिए मम्मी जी ने कैसे मोमो बनाया, इतना भूख लगा है, देखो आशु को एक ही बार में दो दो रोटी बना रही है। मुझे आज पता नहीं क्यों इतना, मतलब ठंड लग रहा है, इसलिए मैं टोपी वोपी पहना हूँ, एक्चुअली बाहर मौसम ठंडा ही है, और शाम को मैंने आज मतलब नहाया धोया ना, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ठंड लग रहा है मुझे, तो इसलिए टोपी वोपी पहना। महीने में एक बार नहाते हो ना, इसलिए महीने में एक बार लगता है, महीने में एक बार नहीं, साल में एक बार, महीने में एक बार नहीं, साल में एक बार नहाता हूँ। मेगा का देखो तो हाईनेक पहना है, हाईनेक पहना है मैं, चलो मेरा तो आज ठंड है ना, मौसम बोल रहे कि कोलकाता, दिल्ली, मुंबई में इतना ज्यादा गर्मी है, और दार्जिलिंग में मतलब गाइस बहुत ज्यादा ठंड है, देखो ये 2-3 मतलब टी शर्ट, जैकेट, सब लोग सब कुछ पहन के रहना पड़ता है। और रात को मैं ना आज अभी भी 2 ब्लैंकेट लगा के सोता हूँ, 2 ब्लैंकेट, रात के 2-3 बजे तो ठंड लगता है, मतलब 2 ब्लैंकेट लगाने के बाद भी, मतलब इतना ज्यादा ठंड है, और ऐसे ठंडी के मौसम में मोमो खाने का मजा ही कुछ और है। मम्मी जी कितना ब्लैंकेट लगाती हो रात को? मैं तो एक तो ब्लैंकेट, लेकिन बड़ा वाला होता है ना, बड़ा वाला, एक तो मेगा 2 ब्लैंकेट, आशु ब्लैंकेट ओढ़ता है, लेकिन उसका जो ट्राउजर होता है ना इतना मोटा है, ब्लैंकेट से भी मोटा।
डैडी जी आ गया। डैडी जी वेलकम टू संगीता किचन। मोमो स्पेशल मोमो बन रहा है। मलाई छ। मैले मेरे पैसा ल्याएको मा। डैडी माइलीले पर दोकानबाट डैडी जीका ख्वाइस महिना मैले मतलब 4-5 दिन से बोल रहा था कि मोमो खाएंगे मोमो खाएंगे मोमो खाएंगे। आज फाइनली सक्सेसफुल कीमा मेरे तो पल्लो दोकानबाट पैसा लिएर आज का पैसा रन्तोस रन्तोस के दोकान से आया और पकराए संगीता किचन में। अरे 20 रुपए दिया है। सिर्फ 20 रुपए दिया मोमो। 20 मोमो 20 मोमो एक मोमो का 1 रुपए। अचार नहीं खाएंगे। अचार नहीं खाएंगे। अचार तो फ्री में। अचार फ्री में। अचार और सूप फ्री में। संगीता किचन में जब मोमो मिलता है ना अचार और सूप फ्री में मिलता है। इधर आओ ना इधर बैठो ना इधर संगीता किचन में बैठो ना। नहीं बैठेंगे डैडी जी। डैडी जी गुस्सा हो गए। देखो क्यों फुरके हो गया। डैडी जी गुस्सा हो गए। डैडी जी फुरके क्यों हो गया। इधर आओ। आले फेरे आले फेरे नौ चाहिँ के उडिसक्यो कसको मेरो त्यस्तै हो नि हो। देखे गाइस मेरा मोमो कैसा लगा। थोड़ा सोलर डालना पड़ेगा। ओके गाइस अभी मैं यहाँ पर आया हूँ टार्जन भाई के घर में और यहाँ पर है योजना। हाय योजना कैसी हो। और यहाँ पर है दृश्य। दृश्य गुड इवनिंग। की गरेको क्या कर रही हो। मोमो बनाको। और गाइस यहाँ पर देखो योजना भी मोमो बना रही है। और इसका स्पेशल मोमो क्या होता है ना हमेशा ये वेज वाला बनाता है क्योंकि ये नॉन वेज नहीं खाती है। और क्या कह रहे मोमो बुंगा बुंगा मतलब ये जो केला का एक वो होता है ना क्या बोलते हैं हिंदी में उसको केला का वो क्या होता है केला का एक फल होता है ना अलग सा वो उसका उसको हम नेपाली में बुंगा बोलते हैं केला का बुंगा। तो उसी का मोमो बना रहा है। और इसका जो स्टफिंग होता है कीमा इस तरह से होता है गाइस। देखो लेकिन बाद में योजना का ये वेज वाला मोमो भी टेस्ट करेंगे और चिकन का भी टेस्ट करेंगे और दोनों में कंपेयर करके बताएंगे कि मतलब कौन सा वाला अच्छा होता है। नहीं नहीं कभी कभी तो वेज भी अच्छा होता है चिकन से है ना। तुम्हें चिकन पसंद है या वेज। दोनों। अरे इसलिए इतना मोटी है। आउँदैछु ल म। इतना ज्यादा कौन खाएगा। एक दो तीन सेट बनाया था तुमने सुबह के लिए भी है। मामी जी भी खाएगी माई तू। हेलो टार्जन भाई। टार्जन भाई क्या वो। ओ टार्जन भाई डाइट मम्मी जी बुला रहे थे मोमो खाने के लिए। हाँ ये खत्म करके आऊंगा। ये खत्म करके। ओह माय गॉड क्या है ये अंडा और भात। डिनर भी हो गया इतना जल्दी मामी जी। Yes. देखो उधर में मोमो बन रहा है यहाँ पर खा रहा है मामी जी अभी भी बना रही है। क्या है ये प्याज और टमाटर का चटनी है। हाँ। प्याज टमाटर का चटनी है मेरे लिए आपके लिए अलग अलग। हाँ, देखो टाटन भाई के लिए अंडा सब्जी योजना के लिए मोमो आपके लिए। मुझे अंडा पसंद नहीं है। ठीक है मामा जी किधर गए। मामा जी बेड में टीवी देख रहे हैं। ओके मैं साइला मामा भी खाना खा रहे है। मामा ड्यूटी जानुहुन्छ अब। ओके तो मामाको ड्यूटी जाना इसलिए जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं। यहाँ पर क्या बन रहा है मामी जी स्पेशल वाला। प्याज टमाटर का चटनी। ये टमाटर और ये इसको ऐसा करना पड़ता है ना। ओहो ओके और टमाटर डाल के मेरे लिए अचार हो गया चटनी। हमारे घर में बन रहा है चिकन मोमो। यस लगा बन रहा है बुंगा मोमो। बुंगा मोमो भेज मोमो बुंगा मोमो। और मेरे लिए बन रहा है प्याज और टमाटर का चटनी। मुझे बहुत पसंद है ना इसलिए। टार्जन भाई को भेज देना ऊपर। हाँ मोमो खाने के लिए आ जाना टार्जन। ये राइस कम खाना मोमो के लिए भी जगह रख के आना। मुझे अंडा पसंद नहीं ना इसलिए मुझे चटनी बनाना पड़ता है। आपको अंडा पसंद नहीं है। पसंद नहीं है। चिकन भी पसंद नहीं है मुझे। ठीक है ठीक है। मुझे मटन और माछा पसंद है। मछली। हाँ मछली और मटन दोनों। ओके सलाव के बनाती है मामी और मेरे लिए हो गया। हाँ दाल नहीं चाहिए मुझे।
चिकन का मोमो हो गया हां बन रहा है अभी ठीक है मामी जी फिर मिलेंगे ल टर्जन भाई आइजला ले ल खाएर बाय गुड नाइट गुड नाइट अर्जुन भाई के घर में बहुत अच्छा अच्छा वैरायटीज बन रहा है माई जी के लिए चटनी बन रही है योजना अपना बुंगा मोमो बना रही है और अर्जुन भाई अंडा के साथ राइस खा रहा है अभी चावल खा रहा है मैंने और मैंने बुलाया ना वो बोलता है कि ये खाने के बाद मैं आऊंगा मोमो खाने के लिए वैसा मत करना गाइस मैं भी रोटी बनाने जा रहा हूँ तो मेरा रोटी काफी अच्छा होता है मेगा से स्पेशली मोमो बनाने भी सीखो ये देखो ऐसा गोल 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 बनाना चाहिए जैसे चांद होता है ना वैसा कैमरा मत हिलाओ मेगा आज मैं बाबा ने बनाने लाने पर है देखो डैडी जी ने बनाना सही हो रहा जानते ना कितना बनाना गोल है बता रहा मम्मी बेल से था दो बनाना ना ठीक है हां ठीक से एकदम ये देखो तो ठीक है सर इसमें की एक और नहीं मैं एक मोमो थोड़ा सा डालना कीमा का थोड़ा देखो गाइस बजट कम है बजट कम है कीमा कुछ नहीं और इसको मोमो बनाना है मुझे उतना ज्यादा नहीं आता लेकिन आई विल ट्राई बेस्ट से ना बनी कीमा यो साइड डाल लो पहला यस यस मुझे आ गया मोमो बनाना आ गया मनम तो उसे सिखा कस्ते ओ बनने दो अंदर क्यूट मोमो बन गया देखो गाइस ये डालो मेगा ले बनता स्पेशल वाला मोमो देखो मेगा से अच्छा होता है मैं बोलता हूं ना ये देखो टैलेंट होना चाहिए इसको बनाने के लिए भी ठीक है झुकेगा नहीं मम्मी जी एक सेट में कितना मोमो जाएगा एक मोक्तो के सेट में मैं गिनती करके आपको बताऊंगा ओके गाइस ये देखो तो ये बर्तन को हम बोलते हैं मोक्तो तो मोक्तो में बनता है मोमो और मोक्तो के बहुत सारे सेट होते हैं जैसे कि ये निचले वाले में होते हैं सूप और उसके ऊपर वाले में होता है मोमो का पूरा वो सेट और ये सबसे पहले पकेगा ये सबसे नीचे वाला सेट और जब हम चेंज करेंगे ये निकलेगा फिर ये नीचे जाएगा फिर ये सबसे टॉप में जाएगा तो ऐसे रिप्लेसमेंट करते करते मोमो पकेगा ठीक है तो मक्टो में पक रहा है मोमो और यहाँ पर देखो एक मक्टो में कितना मोमो जाते हैं मम्मी कितना पीसेस मोमो तो वो भी मोमो का साइज देख के यहाँ पर एक सेट में 40 to 45 पीसेस जाते हैं यहाँ से मैं शुरू करता हूँ काफी वेट करने के बाद फिर से अभी मोमो पक गया है मम्मी जी का स्पेशल मोमो संगीता किचन स्पेशल सब लोग अश्विनी मेगा और गाइस यहाँ से भी आ गए मोमो और देखो टार्सन भी आ गए हेलो टार्सन हेलो मोमो ये वेज मोमो बुंगा मोमो स्पेशल अच्छा अच्छा तपाईको खानु होला अच्छा अच्छा नि लाइ बुंगा ले म खान्छु के गर्नु चिकन दिन्छ नि चिकन खादैनस अच्छा नै लिया यम चिकन भन्दा कम छैन चिकन नै खाऊ कि गेम है भाइ ल सुन न यम चिकन कम छैन नि बेबी थैंक यू वेलकम ओ बुंगा मोमो आ गए बसै नै छिन थोड़ी देर तो बैठो यार महारानी फिर ढोकन योजना को मोमो टेस्ट करेंगे नानी मिठो नमस्ते दृश्य बुंगा मोमो से चिकन चिकन से कम नहीं है बुंगा मोमो भी दामी हुँदो रहेछ है दामी हुँदो रहेछ टेस्टी मम्मीलाई राख्दिन है एउटा मम्मीले दुध राख्दि बाइ बाइ खाइरा ल बाइ बाइ यजु फेरि मिलाएंगे ओछे मेरो राख ल बुंगा का मामु मिठो
दर्शन भाई कैसा हुआ मोमो बताओ जरा बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है टेस्टी है टेस्टी है बर्फी भाई ओके गाइस मोमो टेस्ट करेंगे अभी अभी मेरे प्लेट से मोमो लिया लेकर का सब खा लिया ना होने तो भाई भाई ना दे ना मेरा को भाई आ रहा है ना किधर से आ रहा है मक तो से सीधा प्लेट में। ओके गाइस स्पेशल मोमो अभी टेस्ट करेंगे मम्मी जी का मेगा और असु ने तो ऑलरेडी मैंने खाया भी नहीं देखो सीधा आके ले लिया तो हम तो ले चले अंदर यो से हिसाब में से ये यो ये जी रही सो यो जी बॉय के था अल्लाह रे यार पर मेगा सबके प्लेट से एक एक लिंगा के खा दिए और एक प्लेट ये खा दिए लेकिन ये दो प्लेट का हो जाता है पूरा इसका मम्मी आप भी खाओ ना कैसा है कैसा हुआ दामी भएछ हामीले बनाएको त अनि हजुर कैसा हो मोमो देखो असु मोमो खाके लाल लाल हो गए तातो मोमो खाके गर्मी होगा गर्मी होगा कसले बनाएको नि मोमो चटनी बोट पिरो होइन यसले गर्मी होगा ए मम्मी के एउटा हात काटिदिन्छु त्यो मिठो भयो नि त अच्छा लगता है मामू का सपना पूरा होता है ना कैसे भाई ये देखो चटनी खाने का स्टाइल दे सूप खाओगे गाइस देखो सूप आ गया सूप का तो साई नुन लाग्यो दामी भयो चिकन सुप हाम्रो घरमा सुपमा यस्तो पनि पाउँछ कि फ्री अफर मिला ड्याडको मेरो पास बे गर्म गर्म मोमो आगा फेरि चाहिँ सङ्गीत किचन स्पेसल अम्बो भयो मम्मी हो गया ज्यादा हो गया ज्यादा हो गया उमेर छ बस बस खाने उमेर यही हो केटा खा हामी मिति होला यति खान्थ्यो यति खान्थ्यो यहाँ ड्याडको डाइट ड्याडको डाइट छ मामा लाजवाब अझ एक पर्सेन्ट छ होला त नै लेकिन मोमो खाके अलस तलस हो गए गाइस मैं तो बाय 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 गुड नाइट हैव अ स्वीट ड्रीम स्वीट ड्रीम्स फिर मिलेंगे चलते 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 बाय 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 कौन पूछेगा मोमो पूछेगा मम्मी जी मारा कौन धोएगा मम्मी धोएगा ओके गाइस देखो अभी शाम में मोमो गरम पानी से धोना पड़ेगा डिनर विनर गरम पानी से धोना पड़ेगा चिपलो नहीं जाएगा मम्मी जी बोल रहे कि चिपचिपा नहीं जाएगा इसलिए गर्म पानी से धोना पड़ेगा गर्म पानी इधर डैडी जी भाड़ा हालने भाड़ा ले मम्मी जी का असिस्टेंट जी इधर इधर रहो यहाँ रहो और भाड़ा इधर में रखना पड़ेगा ना लो मम्मी के भन्नु पहिला गरम पानी से धोना पड़ेगा त्यस पछि चिसो पानी से धोना पड़ेगा हिंदी नेपाली मिक्स त्यस पछि अरे त्यसपछि चिसो पानी चाहिँ धुन पड़ेगा भाई ड्याडीजीको ओसार्ने काम यो त ऱ्याकमा राख्नु चाहिँ यतिकै छिपछिपा है यसमा गरम पानी डाल्न पड़ेगा न सुबह सुबह बहुत अल्छी लाग्छ होइन शामकै मोल्न पर्यो मम्मीजीका हिन्दी सुनके मुझे बहुत हँसी आता है सुबह सुबह अल्छी लाग्छ है शामकै धुन पड़ेगा एक सेटमा मोमो उभर गया इसे वो धोना नहीं चाहिए ये धोना पड़ेगा ना
रात में पूरा मोबाइल खिलाता है, दिन में सुबह सुबह उठता नहीं है। कौन मम्मी? मम्मी जी के इतना बदनाम मत करो डैडी जी। डैडी जी भैंसा घर बढ़ा लो। किचन बढ़ा लो डैडी जी। गाइस डैडी जी का ड्यूटी आज किचन साफ करना। डैडी जी का ड्यूटी आज किचन साफ करना पड़ेगा। सब खा के छोड़ के किया सुबह के लिए मोमो बचा कि नहीं देखना पड़ेगा कितना कौन खाया। फ्राइड मोमो खाएंगे। मम्मी जी देखो ब्रश कर रहे है। और देखो हम लोगों ने दुकान वकान पूरा बंद कर दिया और मम्मी जी ने ये भूल गए। ये देखो यहाँ पर कपड़ा है तीन, किसके लिए रख दिया ये मोमो के चक्कर में कपड़ा भूल गया। देखो डैडी जी एक दो तीन चार डैडी इधर आओ। ये क्यों नहीं आज का मोमो ब्लॉग काफी दिन के बाद मोमो खा के काफी अच्छा लगा। और स्पेशली डैडी का ख्वाहिश था कि मतलब मोमो खाएंगे मोमो खाएंगे मोमो खाएंगे, स्पेशली असु का भी था। और आज फाइनली मतलब टाइम मिल गया और छोटा सा ऐसा ही मतलब हो गया और मोमो खा के काफी दिन के बाद मोमो खा के बहुत अच्छा लग रहा है। एंड थैंक यू मम्मी। देखो नहीं शप्पा हो गया मेरा पेट नहीं है। ओके बाय। ओके गाइज आज के वीडियो में इतना ही था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए दर्शन ब्लॉग्स। जस्ट एंजॉय योर लाइफ, बी हैप्पी, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। बाय बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। बाय। सी यू टुमारो।